मैं धीरे धीरे यहाँ से क्लच दे रहा हूँ एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, दिख रहा है? नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में ऑलवेज लोग मुझे पूछते रहते हैं, चाहे मैं उसके बारे में कितने भी वीडियोस क्यों नहीं बना लूँ, एंड वो है क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन। 99% लोगों का फॉल्ट यहीं पर होता है कि चलते चलते बाइक बंद हो जाता है, बाइक जर्क करता है, कभी उनसे बाइक स्टार्ट नहीं होता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों चीज़ों के वजह से होता है, क्लच एंड एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग, मैं ट्राई करूँगा कि ये वीडियो शॉर्ट में बनाऊँ यानी कि 5 मिनट के अंदर, एंड उन लोगों के लिए प्रेजेंट करूँ जो लोग लाइक बहुत जल्दी वीडियो देख के सीखना चाहते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। इसमें से पहला चीज़ आता है क्लच। तो क्लच क्या होता है इसके बारे में मैं आपको एज शॉर्ट एज बताऊँ तो कुछ इस तरीके से है कि क्लच यानी कि एक डिवाइस है, एक कनेक्शन है जो आपके इंजन को रियर व्हील से कनेक्ट करता है। सिंपल बात है कि अगर मैंने क्लच प्रेस करके रखा है तो कोई भी कनेक्शन नहीं है आपके इंजन और आपके रियर व्हील के साथ। क्या होता है कि जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो आपका इंजन घूमना स्टार्ट कर देता है बट आपका बाइक आगे नहीं बढ़ता है। वही सेम जब आपने क्लच छोड़ के रखा है तो क्या होगा, वो कनेक्शन बैठ जाएगा एंड गाड़ी आगे बढ़ने का कोशिश करेगा। तो अगर आपने उसको इनफ पावर नहीं दिया यानी कि एक्सेलरेशन नहीं दिया या फिर उसको इनफ मूवमेंट के लिए स्पेस नहीं मिला तो गाड़ी बंद हो जाएगा। यही सबसे कॉमन चीज़ है। एंड अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन एक लाइक फॉर एग्जांपल आप इंजन का पावर बढ़ा रहे हो टेम्पररी के लिए जिसके वजह से आपको ज़्यादा ताकत मिले। जब आपको ऐसा आगे बढ़ना है तो आपको ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ता है। जो आप एक्सेलरेशन दोगे तो इंजन आपका पावर ज़्यादा जनरेट करेगा जिसके वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये वही चीज़ है। अब आपको ये चीज़ समझना है कि जब आपको पावर का ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ तो आप कॉमन समझ सकते हो, कब आपको पावर का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जब आपको रुकना है तो आपको पावर का ज़रूरत नहीं है तो आपको एक्सेलरेशन यहाँ से ज़ीरो देना है, एक्सेलरेशन देना ही नहीं, बराबर। जब आपको पावर का ज़रूरत है, आपको पावर का ज़रूरत कब पड़ता है, जब आपको आगे बढ़ना है, राइट, तो आपको एक्सेलरेशन नहीं देना है, सॉरी एक्सेलरेशन देना है। तो वही चीज़ है एंड आपको यही सेम जगह पर मैं आपको बोलता हूँ क्लच। तो क्लच का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गियर शिफ्टिंग करने में, क्योंकि पहले गियर पे आप ज़्यादा स्पीड गाड़ी नहीं चला सकते, आपको गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे आपको फुल क्लच प्रेस करना है, गियर शिफ्ट करना है, फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जो भी आपका गियर है वो, एंड फिर यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। अब अगर आपने यहाँ से क्लच ऐसे झटके से छोड़ दिया तो आपको झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि सोचो कि एक चीज़ घूम रहा है एंड एक चीज़ स्टेडी है, तो अगर मैं झटके से छोड़ दूँ क्लच तो ये झटका लगेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा है कि एक बंदा खड़ा है, मैं भागते भागते जाऊँ एंड ज़ोर से उसको पुश करूँ तो ये चीज़ आपके इंजन के अंदर वैसा ही होगा, उतना ज़ोर का झटका हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा फोर्स का। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझ के रखना है। अभी क्लच एंड एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाया था जिसको बोलते हैं हाफ क्लच, बराबर। तो हाफ क्लच मतलब ये होता है कि फुल क्लच एंड नॉर्मल क्लच या फिर नो क्लच के बीच का एक कनेक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये है मेरा फुल क्लच। जब मैंने प्रेस करके रखा है तो टोटली इंजन डिसएंगेज है, आप देख रहे हो गाड़ी आगे जा रहा है, इवन तो गाड़ी है फर्स्ट गियर पे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लच प्रेस करके रखता हूँ तो अभी मैं कितना भी प्रेस करूँ गाड़ी आगे जाएगा नहीं, क्योंकि गाड़ी एक कंट्रोल्ड है, एक लाइक कनेक्टेड है विद द इंजन। तो अभी यहाँ पर कितना भी कुछ भी हो गाड़ी आगे नहीं जाएगा। वही सेम जगह पर मैं क्लच प्रेस कर देता हूँ तो गाड़ी आगे चला जाएगा, बराबर। हाफ क्लच आपको ओनली सिर्फ 1 से 2 सेकेंड के लिए यूज़ करना है, आपका क्लच कभी भी बंद नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज गियर शिफ्टिंग के टाइम पे आपको यूज़ करना है फुल क्लच। तो मैं यहाँ से फुल क्लच प्रेस करता हूँ, यहाँ से अपने गियर को शिफ्ट करता हूँ टू द न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल पे ही गाड़ी को ज़्यादा करके स्टार्ट करना चाहिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। कभी कभी आप फर्स्ट गियर पे कर सकते हो तब जब आपका इंजन हॉट हो, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल आप स्टार्ट कर रहे हो अर्ली मॉर्निंग तो बेटर है न्यूट्रल पे करो। तो मैं अभी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। अब बाइक स्टार्ट होने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे फुल क्लच एंड फुल क्लच प्रेस करने के बाद आगे गियर शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने गियर शिफ्ट नहीं किया एंड मैं, दिख रहा है, एक्सेलरेशन देने पर गाड़ी सिर्फ आवाज़ करेगा, वो आगे बढ़ेगा नहीं कभी भी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, पहले करता हूँ फुल क्लच प्रेस, फिर यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट गियर, यहाँ पे गियर लग गया, दिख रहा है फर्स्ट गियर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से
धीरे धीरे क्लच छोड़ता हूँ। तो जैसे मैं धीरे धीरे क्लच छोड़ूंगा, जैसे नॉर्मली गाड़ी यहाँ पे है तो आगे बढ़ेगा नहीं, बराबर। उसका रीज़न है कि गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पावर चाहिए, बराबर। एंड मैं यहाँ पे जैसे क्लच छोड़ना स्टार्ट करूँगा तो गाड़ी धीरे धीरे, दिख रहा है इंजन आवाज़ चेंज कर रहा है, देखो आप आवाज़ सुनो, दिख रहा है। तो ये आवाज़ है जो आपको बता रहा है कि अभी आपको आगे बढ़ना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं यहाँ से जैसे धीरे धीरे क्लच छोड़ू तो अभी ये हो रहा है एंगेज, बराबर। एंड वैसे ही सेम जगह पे अगर मैंने गाड़ी छोड़ा तो ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया, समझ में आया। मे भी हो सकता है कि मेरा जो यहाँ पे क्लच है उसको छोड़ने के बाद गाड़ी आगे बढ़ रहा है, आपका शायद से गाड़ी आगे नहीं बढ़े, आपका बाइक आगे नहीं बढ़े क्लच छोड़ने पे, तो वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बाइक का अलग अलग पावर होता है। मोस्टली 150 सीसी के बाइक्स क्लच छोड़ने पे आगे बढ़ जाते हैं, 125-100 सीसी के बाइक्स आगे नहीं बढ़ते हैं, सो उसमें आपको एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ से धीरे धीरे क्लच छोड़ता हूँ, ये पॉइंट हो गया। अभी गाड़ी अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा छोड़ दूँ तो बंद हो जाएगा, दिख रहा है। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अभी उसको पावर ही नहीं मिला आगे बढ़ने के लिए। ये एक कॉमन चीज़ है, जब भी आप ट्रैफिक में होते हो और बंद होता है तभी भी यही चीज़ होता है, जब अपील में होते हो और जब बंद होता है तभी भी यही चीज़ होता है। आपको सिर्फ ये चीज़ समझना है कि बंद ये इसलिए हो रहा है ताकि उसको एक्सेलरेशन नहीं दिया जा रहा है। एंड कभी कभी नॉर्मल चलते चलते बंद हो जाता है, उसमें आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। वो मे बी शायद से लाइक आप 40-50 के स्पीड पर और अचानक से बंद हो गया, तो वो शायद से आपका प्रॉब्लम नहीं हो, मैकेनिकल वाला चीज़ है, तो वो चलते चलते कभी घूमते घूमते वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ओके, तो अभी मैं फिर से गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर से बाइक स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा बाइक स्टार्ट हो गया। अब चीज़ ये है, मेरा बाइक है नॉर्मल पे, मैं धीरे धीरे यहाँ से क्लच दे रहा हूँ एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, दिख रहा है। बहुत इजी, स्टेडी, विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सो ओनली ये जो एक दो सेकंड वाला चीज़ है वो आपको सही से करना है, लाइक धीरे से क्लच पकड़ो, धीरे से क्लच छोड़ो, धीरे से एक्सेलरेशन दो, ये चीज़ है। आपको कभी झटका नहीं लगेगा, देखो अगर एक्सेलरेशन दोगे डायरेक्टली तो आपको इस तरीके से झटका ऑफकोर्स डेफिनेटली लगने वाला है, लेकिन अगर मुझे स्मूथ चाहिए, देखो ये स्मूथ है, दिख रहा है, कभी भी आपको झटका नहीं लगेगा। ये चीज़ आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, समझ आया आपको? तो आप अगर आप फर्स्ट गियर पे कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एक्सेलरेशन दो, अगर आपको झटका नहीं लग रहा है तो ये राइट टेक्निक है। अगर आपको झटका लग रहा है तो फिर वो राइट टेक्निक नहीं है, बराबर। अभी ये आप फर्स्ट गियर पे आप पहले कर लोगे मास्टर, फिर गियर शिफ्टिंग का बात होता है। तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, क्लच प्रेस करता हूँ, गियर को सेकंड गियर में शिफ्ट करता हूँ, धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे एक्सेलरेशन, इजी टू गो, दिख रहा है, एकदम स्मूथ तरीके से गाड़ी आगे बढ़ रहा है, जर्क नहीं कर रहा। फिर से अगेन एक्सेलरेशन छोड़ा, फिर फुल क्लच प्रेस किया, फिर गियर शिफ्ट किया, फिर धीरे धीरे क्लच एंड एक्सेलरेशन कॉम्बिनेशन, वी आर गुड टू गो। अपना बाइक बीच में कभी भी बंद नहीं होगा एंड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मैं यूटर्न मार रहा हूँ, तो यूटर्न मारने के टाइम पे भी सेम ही चीज़ होता है, धीरे धीरे क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन आपको देना है। फर्स्ट गियर पे रखा है क्योंकि सेकंड गियर पे इतना स्लो स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाएगा एंड क्योंकि ये स्लोपी रीजन है तो ये इजीली खुद ही उसने कर लिया। अब धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे एक्सेलरेशन, मुझे झटका नहीं लगा है, मैं इजीली स्मूथली आगे बढ़ रहा हूँ। सेम तरीके से मैं यहाँ से एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, फुल क्लच प्रेस करता हूँ, सेकंड गियर पे शिफ्ट किया एंड धीरे धीरे क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन। ये चीज़ याद रखना, कभी कभी अपहिल पे आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन का ज़रूरत पड़ेगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन दोगे तो यू आर इजी टू गो। अभी जब भी आपको ब्रेक प्रेस करना है तो आपको क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ करना है, तो ब्रेक प्रेस करना मतलब आपको पावर का ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन छोड़ो, फुल क्लच प्रेस करो एंड ब्रेक प्रेस करो। क्यों मैंने ये किया? क्योंकि मेरा बाइक स्लो स्पीड में था। अगेन फिर आप सेम थोड़ा थोड़ा क्लच और थोड़ा थोड़ा एक्सेलरेशन देके कंटिन्यू कर सकते हो। ये चीज़ याद रखना कि ये सब इंस्टेंटली होता है। अगर आप शुरू में 10-15 बार प्रैक्टिस कर दोगे सेम चीज़ का तो आपको फिर इसके बारे में कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सब चीज़ ऑब्जर्व कर लेगा। स्पीड ब्रेकर आया, अगेन एक्सेलरेशन छोड़ा, मैंने फुल क्लच प्रेस किया, मैंने बिना एक्सेलरेशन के ये कर दिया, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन, धीरे धीरे क्लच, धीरे धीरे एक्सेलरेशन, वी आर गुड टू गो। तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा चीज़ इस तरीके से करना है, चाहे अपील हो या चाहे कुछ भी चीज़ हो। अपील में थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़्यादा देने का ज़रूरत पड़ता है क्योंकि वहाँ पर पावर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। सो आपको ये बस थोड़ा सा चीज़ है जो सही तरीके से समझना पड़ेगा क्लच एंड एक्सेलरेशन के कॉम्बिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।